एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज अपन बात करेंगे एपिफाइटिक प्लांट्स के बारे में। देखो, एपिफाइटिक प्लांट्स से एक या फिर अपन कहें दो क्वेश्चन जो है वो बॉटनी से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे कि जो एपिफाइटिक प्लांट्स में से कौन सा क्वेश्चन या कौन सा जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो आता है एक वांडा नाम से प्लांट है। कौन सा? वांडा, या फिर अपन कह सकते हैं ऑर्किड जो फैमिली है, इसमें खास तौर से कौन सी फैमिली है? ऑर्किड, ऑर्किड फैमिली, इस फैमिली को इसमें शामिल किया गया है। ऑर्किड को आप कह सकते हैं ऑर्किडियेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कौन सी फैमिली? ऑर्किडियेसी फैमिली के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। इसमें से एक एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वांडा प्लांट। ये प्लांट जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? देखो, नाम से भी एपिफाइटिक प्लांट है, तो इसके नाम से है ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते हो, अपनी ग्रोथ शो करते हो, तो उसे जैसे प्लांट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, प्लांट जो है वो किसी अन्य प्लांट्स के ऊपर रहकर अगर अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं या फिर नॉर्मल किसी भी कंडीशन में रहकर सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनमें जो रूट है, जैसे अपन वांडा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, रूट नॉट ग्रो इन सॉइल, सॉइल में इनकी जड़ें हैं वो एंटर नहीं करती हैं, इनको जड़ें जो है वो कैसे होती है, हैंगिंग होती है, लटकी हुई रहती है। जैसे अगर अपन यहाँ पर डायग्राम बनाएं, यहाँ पर जैसे ये कंडीशन है, और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि आपने क्या कर रखा है, यहाँ से एक कोई ट्रे बना रखी है आपने, यहाँ इसकी क्या लगा रखा आपने, कोई प्लांट लगा रखा है, यहाँ से इस प्रकार का प्लांट लगा रखा है, इस प्रकार की लीव्स है इनमें, इस प्रकार से, और इनके ऊपर कहते हैं फ्लोरिंग जो है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं फ्लोरिंग ले रखी है आपने यहाँ बांध कर और किसी एक चीज़ से लटका रखा है, ठीक है, अदर लटका हुआ है, और यहाँ से इनकी क्या निकलती है, जड़ें निकलती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जड़ें कैसे हैं, लटकती हुई है, जड़ें कैसे होती है, लटकती उजड़ी पाई जाती है, इसे हैंगिंग रूट कहते हैं, हैंगिंग रूट कहते हैं। अब देखो, ये हैंगिंग रूट जो है वो कहीं भी सॉइल के अंदर नहीं है, रूट है वो लटकी हुई है लेकिन सॉइल के अंदर एंटर नहीं करती है, नॉट ग्रोइंग सॉइल, तो हैंगिंग रूट, हैंगिंग रूट है। इन ये सर्वाइव कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो रूट होती है वो एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनकी जड़ें, ऐसा कोई विशेष फंक्शन है इन जड़ों में, इनकी जो रूट्स जो होती है वो कैसे होती है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड टिश्यू पाया जाता है, इनमें क्या होता है, मॉडिफाइड टिश्यू पाया जाता है, उस मॉडिफाइड टिश्यू को अपन क्या कहते हैं, वेलामिन टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू होता है, कई बार ये प्रश्न पाया जाता है कि जो वेलामिन टिश्यू है, वेलामिन जो लेयर है वो किसमें पाई जाती है, तो वांडा में पाई जाती है, किसमें, वांडा प्लांट के अंदर पाई जाती है। वेलामिन जो टिश्यू है वो किसमें पाई जाती है, क्या रूट के अंदर, रूट्स में, लेयर्स के रूप में
पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? रूट की जो जड़ है, या फिर अपन यूं कहें ये जड़ें हैं, ये जड़ें हैं, इनकी जड़ों के सबसे बाहर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो एक टिश्यू की लेयर होती है। और कितनी लेयर होती है भाई? ये होती है 4 से 5 लेयर, 4 से 5 लेयर कोशिकाओं की बनी होती है। इनमें हाइड्रोस्कोपिक मतलब प्रॉपर्टी जो होती है वो कहती होती है वाटर को एब्जॉर्प्शन करने की प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। लटकती हुई हैंगिंग जड़ें पाई जाती हैं, इनमें हाइग्रोस्कोपिक जो है वो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब जल धारण क्षमता। या जल को एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता पाई जाती है, अपने एनवायरमेंट से नमी सोखने की क्षमता पाई जाती है, नमी सोखने की प्रॉपर्टी जो पाई जाती है उसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो बांडा की जो जड़ें हैं इसमें पाई जाती है, इनकी जो लेयर है इनमें 4 से 5 परतें पाई जाती हैं जो वाटर की नमी को क्या करते हैं, एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये जो लेयर है इस लेयर को अपन क्या कहते हैं, वेमन टिश्यू या वेमन लेयर के नाम से जानते हैं। इस वेमन लेयर को अगर आप यूं कहूं कि कैसे कंपोजिशन कैसे पाया जाता है, तो एक छोटा सा इसका जो सेक्शन है वो आप यहां से देख सकते हो। जैसे अपन मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, इसका छोटा सा एक कॉर्नर है कुछ इस प्रकार से आपने बनाया है। यहां पे इसका एंडोडर्मिस, ये इसका एक्सोडर्मिस, और बीच में जो सेल्स है वो क्या कहलाएंगे, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स कंडीशन है और ये एक्सोडर्मिस और ये वाला जो पार्ट था वो एंडोडर्मिस। और यहाँ पे जो है इसका स्टेट मतलब जाइलम ऑफ फ्लोएम का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। यहां अगर हम देखेंगे यहां एक टिश्यू देखने को मिलता है लिमिटिंग सेल भी कह सकते हो आप इसे। ये एक टिश्यू है, सबसे बाहर की तरफ लेयर है, ये लिमिटिंग टिश्यू, लिमिटिंग लेयर कह सकते हो, एपिडर्मिस कह सकते हो। यहाँ पे बाहर की तरफ क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी ये, और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इस प्रकार के जो टिश्यू हैं वो जनरली देखने को मिलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक की जो लेयर है ये 5 से 6 लेयर जो होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है ये क्या कहलाएगा, वेलमन के नाम से जाते हैं, वेलमन लेयर। तो जो हाइड्रोस्कोपिक का जो काम करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वाटर रिटेंशन का काम करता है, वो कौन करता है, वेलमेन की जो लेयर है, मल्टी सेलुलर लेयर है, 4 से 5 लेयर, ये 4 से 5 लेयर पाई जाती है। तो ये इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि किसमें काम आता है, सपोर्टिंग में भी काम आता है, सपोर्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन में काम आता है। इसके अलावा हैंगिंग लटकी हुई रहती है, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए काम आता है। तो ये चीज़ें हैं, इनमें से कई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वेलमेंट की जो टिश्यूज है वो किस में पाए जाते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गैसेज का एक्सचेंज भी करते हैं, वेलमेंट जो टिश्यू होते हैं एक्सचेंज के लिए, गैसेज के एक्सचेंज के लिए बॉल भी पाए जाते हैं। तो ये छोटा सा एक हाइपोफाइटिक प्लांट था, कौन सा, खासतौर से
अपन अपन ने बात की है वेंडा की, या फिर जो किसका है ऑर्किडेसी और ऑर्किड फैमिली का एक छोटा सा प्लांट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होगी।